हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर बायोलॉजी। शिवशंकर बायोलॉजी में एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं ओनली BCECE एग्जाम 2020, बिहार कंबाइंड मेडिकल एग्जाम 2020, जो आपको BCECE बिहार फार्मेसी, BSc नर्सिंग के लिए फॉर्म भरी जाती है, या चिकित्सक यानी जो होता है पशु चिकित्सक, एनिमल डॉक्टर, उनके लिए BCECE फॉर्म, उनके लिए आज बेहतरीन आपके लिए ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का क्वेश्चन, जो VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का क्लास आपको पूरा देखना और वीडियो पूरा से ले शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी। और इसका PDF भी हम दे देंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और साथ में घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। और हम बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप नंबर ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे ओनली BCECE का व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पे आपको डेली PDF BCECE सिलेबस का मिलता है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चैप्टर बाय चैप्टर VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका G2 फेज में किसका निर्माण होता है। G2 फेज में किसका निर्माण होता है। G2 फेज का हिंदी आपका होता है, फेज का हिंदी होता है अवस्था। तो G2 फेज में किसका निर्माण होता है, यह आपको G2 फेज जो अवस्था है वो 11th क्लास के सेल चक्र यानी कोशिका चक्र में, सेल साइकिल में पढ़ना है। तो G2 फेज किस का निर्माण करता है, यानी G2 फेज किसका निर्माण करता है। तो G2 फेज RNA और प्रोटीन का निर्माण करता है। G2 फेज होता है RNA और प्रोटीन का निर्माण करता है। उसके बाद है कोशिका चक्र में, कोशिका यानी सेल साइकिल, कोशिका चक्र में कौन सा अवस्था, कोशिका चक्र में कौन सा अवस्था यानी फेज, कौन सा अवस्था प्रोफेज का उल्टा अवस्था होता है। कोशिका चक्र में कौन सा अवस्था प्रोफेज का उल्टा अवस्था होता है, यानी प्रोफेज का उल्टा फेज होता है। फेज का हिंदी हो जाता है आपका अवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा टेलोफेज। कोशिका चक्र में कौन सा अवस्था प्रोफेज का उल्टा होता है, तो वह होता है टेलोफेज। उसके बाद है कोशिका चक्र का, कोशिका चक्र का अधिक समय किस फेज में लगता है। कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल का अधिक समय, यानी कोशिका चक्र अधिक समय किस फेज का होता है, यानी किस फेज में। यहाँ पे समझना आपको कि कोशिका चक्र सेल साइकिल का अधिक समय किस फेज में, किस अवस्था में लगता है, किस फेज में, किस फेज का होता है या किस फेज में लगता है। फेज का आने का यहाँ पे अर्थ हो गया आपका अवस्था। तो आपका आंसर हो जाएगा इंटरफेज। क्या होगा, इंटरफेज में कोशिका चक्र सबसे अधिक समय लगता है। उसके बाद मनुष्य में निषेचन की क्रिया होती है, मनुष्य में निषेचन की क्रिया होती है। मनुष्य में निषेचन की क्रिया यानी फर्टिलाइजेशन, निषेचन का इंग्लिश यहाँ पे हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन मनुष्य में कहाँ होता है, तो आपका होता है फिलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है, फिलोपियन ट्यूब में। उसके बाद है देखिए, मनुष्य में निषेचन जो होता है आपका वह होता है फिलोपियन ट्यूब में। किस प्रकार होता है, तो देखिए मनुष्य में निषेचन की क्रिया होता है तो फिलोपियन ट्यूब में। इसका आंसर हो जाएगा फिलोपियन ट्यूब में। आपका मनुष्य का जो गर्भाशय होता है वो इस आकार का होता है, इस आकार का होता है, यानी इसको कहने का अर्थ हो गया आपका
इस टाइप का होता है, यानी उल्टा नाशपाती का आकार का, मनुष्य का जो गर्भाशय होता है मादा कम, जिसमें जिसको बोलते हैं हिंदी में बच्चेदानी, मनुष्य का गर्भाशय होता है इंग्लिश में यूट्रस, हिंदी गर्भाशय, देहाती भाषा में बच्चेदानी। तो जो मनुष्य का गर्भाशय होता है वो उल्टा नाशपाती, नाशपाती जो सीधा होता है उस टाइप का, यानी उल्टा नाशपाती के जैसा होता है मनुष्य का गर्भाशय, यानी मादा का गर्भाशय। और इस गर्भाशय के बाद एक फिलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ पे फिलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ पे होता है आपका ओभम होता है, और यहाँ पे आपका उंगली नुमा संरचना होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे पूछ रहा है मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो ये जो निषेचन इस पार्ट को बोलते हैं, इसी पार्ट को बोला गया है आपका फिलोपियन ट्यूब, इसी पार्ट को बोला गया क्या, फिलोपियन ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब, इसको बोला गया है, इधर भी होता है, दो होता है, इसी को बोला गया है फिलोपियन ट्यूब। इसमें निषेचन कहाँ होता है, पिछले क्लास में हम बताए थे, तो इसमें निषेचन होता है कि इधर से मेल का स्पर्म, इधर से मेल का स्पर्म गर्भाशय में पहुंचता है, उसके बाद ओवरी से, इसके बाद यहाँ पे होता है ओवरी होता है, जिसको ओवरी का हिंदी होता है अंडाशय, ओवरी से अंडाणु यहाँ फिलोपियन ट्यूब इंपुला और स्थमस के पास जाता है, और इधर से स्पर्म मेल का स्पर्म इंपुला स्थमस के बीच मिलता है, यानी इधर से ओवम अंडाणु और इधर से स्पर्म शुक्राणु दोनों एक दूसरे से मिलता है, यानी निषेचन की क्रिया कर लेता है। तो जो निषेचन की क्रिया करता है वह करता है कहाँ, इस नली में करता है, इसी नली को बोला गया फिलोपियन ट्यूब। क्या मनुष्य में निषेचन की क्रिया होता है, तो फिलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक, उसके बाद है डीऑक्सीरिबोज शुगर के साथ नाइट्रोजिनस बेस जुड़कर निर्माण करता है, डीऑक्सीरिबोज शुगर के साथ नाइट्रोजिनस बेस जुड़कर, नाइट्रोजिनस बेस होता है AgCU AgCT, AgCU और दूसरा, पहला और दूसरा AgCT, ये होता है आपका नाइट्रोजिनस बेस, यानी नाइट्रोजनी क्षार होता है। यहाँ पे बोल रहा है डीऑक्सीरिबोज शुगर के साथ नाइट्रोजिनस बेस जुड़कर निर्माण करता है, तो किसका निर्माण करता है, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, न्यूक्लियोसाइड का। उसके बाद है ये नाइट्रोजनी क्षार होता है आपका डीएनए आरएनए का, डीएनए आरएनए जब अगले क्लास में बताएंगे तो आपको बताएंगे कि नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस का हिंदी होता है, नाइट्रोजिनस बेस का हिंदी होता है आपका नाइट्रोजनी क्षार। उसके बाद है न्यूक्लियोसाइड के साथ, न्यूक्लियोसाइड के साथ एक अणु, न्यूक्लियोसाइड के साथ एक अणु फास्फेट जुड़कर, एक अणु फास्फेट जुड़कर निर्माण करता है, क्या करता है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड के साथ एक अणु फास्फेट, एक अणु फास्फेट जुड़कर निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। देखिए न्यूक्लियोसाइड के साथ एक अणु फास्फेट जुड़कर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद यह थी आपका इस क्लास का, और इसका पीडीएफ जाइएगा मत, अभी ध्यान से समझिए, एक और क्वेश्चन बताने वाले हैं, इसका जो पीडीएफ आपको चैप्टर बाय चैप्टर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रत्येक चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा, उसका लिंक वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है डाउनलोड करने में, डाउनलोड नहीं हो पाती है, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर तुरंत कॉल कीजिए, और कॉल करने के बाद आपको आपका पीडीएफ मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर पे। या फिर एक बात और बता दें कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है BCEC का, वो आपके सब्सक्राइब बटन से लिंक है,
आपके जो सब्सक्राइब बटन है उसे लिंक कर दिया गया है, क्योंकि सबको संभव नहीं है कि एक एक व्यक्ति के पास लिंक भेजना, इसलिए अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद एक मिस कॉल दे दीजिएगा हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे। अगर मिस कॉल दे देते हैं तो मिस कॉल देने से आपका जो नंबर है वो यूट्यूब से कनेक्ट कर दिया जाता है, और कनेक्ट करने के बाद जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके व्हाट्सएप नंबर पे एक डायरेक्ट आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन हो पाइएगा। और मिस कॉल उसी नंबर से देना होगा जिस नंबर से आपका व्हाट्सएप बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिएगा और चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आप यह वीडियो भी शेयर कीजिएगा जो इस बार BCEC का एग्जाम देने वाले हैं 2020, आपका चाहे मेडिकल का हो या इंजीनियरिंग का, यानी जो मेडिकल का आपका बायोलॉजी का स्टूडेंट है 12th लेवल का, उनके जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि वो अच्छे से समझे क्वेश्चन को और अच्छे से तैयारी कर पाए और हमारा PDF भी ले पाए और वो अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पाए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहिए।